आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 और मैं हूं जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह। विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर के प्रखंड के सभी विद्यालय के बच्चे यहां आए हुए थे और अपना अपना विज्ञान प्रदर्शनी सभी के सामने रखा गया था। इसमें करीब 9 विद्यालय के बच्चों ने हिस्सा लिया है और 3 विद्यालय के बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें प्रथम है करमैनी, द्वितीय है सोसाड़ी और तृतीय है बसौरा। सभी बच्चों को सासाराम में बुलाया गया है, वहाँ भी मतलब सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर भी 3 बच्चों को सिलेक्ट करने के बाद में सभी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोहतास से जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिला के संजौली प्रखंड में विज्ञान प्रदर्शनी में 9 विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भागीदारी रही, जिसमें मेके के मध्य विद्यालय संजौली, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कैथी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गरुड़ा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजितपुर, गौरी शंकर मध्य विद्यालय संजौली, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसौरा, CRC मध्य विद्यालय सोसाड़ी विज्ञान प्रदर्शनी में भागीदारी ली। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें के मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील कुमार, कुमार करमैनी विद्यालय से रानी कुमारी कैथी विद्यालय प्रधानाध्यापक के अलावा सोसाड़ी, गडूरा, बाजितपुर, बसौरा के शिक्षक उपस्थित रहे। इस विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम करमैनी विद्यालय, द्वितीय सोसाड़ी विद्यालय और तृतीय बसौरा विद्यालय के छात्र छात्राएं रहे। सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें अगर टंकी भर जाता है तो पानी गिरने लगता है, हम लोग को पता नहीं चलता, ऊपर जाएंगे तब पता चलेगा। तो पानी को गिरने लग जाता है, इसको पता करने के लिए हम लोग एक ऐसा विद्युत यंत्र बनाया है, इसमें भरते ही ये इंडिकेट कर देगा, बजने लगेगा। मतलब जैसे ही पानी इसमें भर जाएगा, ओवर हो जाएगा और ये जो आप लोग बेल बनाए हैं वो बजने लगेगा, यही कहना है ना? मतलब उसमें लाइन देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। किस विद्यालय से हैं? उत्क्रमित मध्य विद्यालय करमैनी। बिजली को चेक प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इसका अगर नहीं तुम्हारा यानी कैसे प्रदूषण होता है? पेड़ पौधा ही लगाइए देखना, ये तो कभी नहीं। सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सही पता है ना? बहुत साफ सुथरा। इसी प्रकार हमारे मोबाइल का खोज हुआ था। बहुत प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इसका अगर नहीं तुम्हारा यानी कैसे प्रदूषण होता है? पेड़ पौधा ही लगाइए देखना, ये तो कभी नहीं। आज आपको प्राइज से सम्मानित किया गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं या लड़कियों को क्या मैंने संदेश देना चाह रही हैं पढ़ाई को लेकर के? मैं लड़कियों के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि वो और को और मेहनत करें और आगे बढ़े। जी आपका नाम? आसकी राज। किस विद्यालय से हैं आप? उत्कर्मी मध्य विद्यालय बसौरा। किस क्लास में? वर्ग 8। नाम? आकाश कुमार। किस विद्यालय से हैं? उत्कर्मी मध्य विद्यालय करमैनी। आप बना है पानी बर्बादी को रोकने के लिए हमने विद्युत यंत्र बनाया है। आपको मतलब किस श्रेणी में रखा गया? प्रथम। प्रथम। आप मतलब अपने स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यही दे रहे हैं कि अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कोशिश रखना चाहिए। हम लोगों ने देखा कि मध्य विद्यालय MIT की एक छात्रा
हालांकि इस छात्रा से हमको पहले भी भेंट हो चुका है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में हम लोग अमेठी ग्राम में गए हुए थे तो उस छात्रा का एक भाषण भी वहां पर हुआ था और बड़ी ही आकर्षक ढंग से उसने भाषण दिया था। और यहां पर जैसे हम कोई चीज बनाते हैं, बनाने के बाद में उसकी प्रस्तुति करते हैं, अगर प्रस्तुति के लिहाज से समझा जाए तो हम लोगों के नज़र में सबसे बेटर प्रस्तुति रही उस छात्रा की, जिस ढंग से उन्होंने अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत किया। साथ ही उससे भी बेटर यह था कि उन्होंने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का एक नमूना दिखाया, वो भी अच्छा था। लेकिन जो अम्ल और क्षार का जो गुण उन्होंने अपने बिना लिटमस पत्र की सहायता से अपने लोकल विद्यालय के फूल इत्यादि के माध्यम से जो उन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में, नीला लिटमस पत्र कैसे लाल हो जाता है या लाल कैसे नीला होता है, इसका जो एग्जाम्पल उसने रखा, यह अपने आप में बहुत ही आकर्षक था और विद्यालय के लिए अनुकरणीय है। क्योंकि विद्यालय में चारों तरफ हो सकता है कि लिटमस पत्र उपलब्ध नहीं हो, हम लोग बिना लिटमस पत्र के कैसे अपने बच्चों को अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी दे सकते हैं, इस बच्ची ने बताया तो हम समझे, हम चाहते हैं।